हेलो। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब 120 बच्चे जिनका जो प्राप्त औसत अंक है वो कितना है, 35 है। उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण दे रखा है औसत हमें, और अनुत्तीर्ण मतलब पास फेल दे रखा है, और सभी का दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लग जाएगा, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है वो देख लें एक बार, कुछ नहीं है एलिगेशन, बस एक दो और तीन, तीन बॉक्स होते हैं, बाकी नीचे रेशियो, बस हो गया। एक तरफ हम मान ले पास, एक तरफ मान लेते फेल अनुत्तीर्ण, और टोटल जो बीच में जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, मिश्रण की आती है। मिश्रण हो या कुल हो या सभी हो, और इन दोनों का मतलब, इन दोनों का जो मिश्रण मिलाकर हमने दे रखा होगा वो सेंटर में आएगा। और एक बार कंफर्म करने के लिए, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, मतलब किसी से भी आउट नहीं होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक के बीच नहीं होनी चाहिए संख्या। देखते हैं कैसे। अब क्वेश्चन में हमें 120 जो टोटल विद्यार्थी हैं उनका जो एवरेज पता हुआ वो कितना है, 35 है। चेक करते हैं क्या 35 यहीं पर आएगी, देखते हैं। अब सेकंड दिया हुआ है उत्तीर्णों का 39, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। और अनुत्तीर्णों का कितना है, 15। जब हम 15 से चलेंगे इसके पास, जब हम 15 से चलेंगे इसके पास, तो कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेगा कौन, 35। तो बस यही याद रखना कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अब क्या करना, माइनस कर देना। तो 15 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। 35 से बचा कितना, 4 × 4 = 20। तो मतलब पांच जो विद्यार्थी पास हुए उनमें से एक फेल हुआ। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, आगे देखते क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, पास होने वाले विद्यार्थियों की। अब हमें क्वेश्चन ने वैल्यू किसकी दे रखी है, टोटल 120 जो वैल्यू दे रखी है वो क्या, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी, मतलब टोटल मिलाकर 120 है। तो टोटल मिला के 5 और 6 बराबर कितना, 120। 1 बराबर कितना होगा, 6 × 2 = 12। 1 बराबर कितना हो गया, 20। जब 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 20 × 100, ये क्या हो जाएगा। और अगर इनके फेल पूछा होता तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते तो फेल निकल के आ जाते कितने, 20 तो फेल हो गए और ये कैसे हो गए, पास, ठीक है। तो 100 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, फटाफट से बोलिए।